बरमकेला ब्लॉक में इन दिनों किसान धान बिक्री को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तिथि निर्धारित की है। ऐसे में महज कार्य दिवस को देखा जाए तो तकरीबन 9 दिनों की खरीदी बाकी रह गई है। अब बेमौसम बारिश के चलते धान खरीदी बंद होने से किसान मायूस है और उन्हें चिंता सताने लगी है कि उनके धान बिक पाएंगे या नहीं। विदित हो कि बरमकेला ब्लॉक में 19,125 किसान पंजीकृत है, जिसके द्वारा कुल रकबा 28,025, धान रकबा 23,912 के लिए धान बेचने का पंजीयन कराया गया है। बरमकेला ब्लॉक में धान खरीदी का लक्ष्य लगभग 9,21,115 क्विंटल है, जिसमें अब तक 6,72,413 क्विंटल खरीदा हुआ है। बाकी 2,48,702 क्विंटल धान खरीदी शेष है। ऐसे में किसानों को इस बात की चिंता सता रही है कि वे बचे हुए दिन में अपना धान बेच पाएंगे या नहीं। उन किसानों के सामने ज्यादा परेशानी है जिन्हें बीते सप्ताह समितियों से टोकन तो दे दिया गया था, पर बारिश के चलते खरीदी नहीं हो पाई। कई किसानों के तो 2-3 बार टोकन भी निरस्त कर दिए गए हैं। इन तमाम हालातों के चलते किसानों को अपने धान बेचने की चिंता सता रही है। धान मंडी में पूछताछ करने के लिए आए थे। पानी एक हफ्ता से लगातार गिर रहा था तो इसलिए मंडी बंद है। अब धान खरीदने के लिए बोल रहे हैं, बोल तो मौसम साफ होगा तो लेंगे बोल रहे हैं, इसलिए मंडी को पूछने आया था मैं। तो धान खरीदेंगे क्योंकि बोल रहे हैं तारीख ख़त्म हो जाएगा तब भी हम लोग लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि बोल रहे हैं। मैं नावपाली का एक किसान हूँ, 40 एकड़ लगभग धान का खेती किया हूँ। अभी बेमौसम बारिश के चलते हम लोग को धान बेचने में असुविधा हो रही थी, इसी को पूछने के लिए मैं अभी आया था बरमकेला सोसाइटी मंडी में। तो पूछा उनको कि कब तक धान खरीदी चालू करोगे, तो सोसाइटी में बताया गया कि जैसे ही मौसम खुलेगा सभी किसानों का धान लिया जाएगा। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मुख्यमंत्री महोदय जी भी बोले हैं कि जितने भी पंजीयन हो चुकी है धान की, उन सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा और बहुत तेज़ गति से धान खरीदा जाएगा। यह सुन के हम किसानों को बहुत खुशी हुई, जैसे हम लोग का पूरा धान अब बिक जाएगा। पहले डर रहे थे पानी गिरने के कारण कहीं धान बेचने में हम लोग को असुविधा ना हो बोल के, इसके लिए अब हम लोग को कोई असुविधा नहीं होगी, ऐसा बहुत बताया गया है सोसाइटी में। बरमकेला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।